नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के जीवन शैली के बारे में, साथ ही साथ राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। भारत में जैसे ही राष्ट्रपति का नाम सामने आता है तो लोग यही सोचते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, साथ ही साथ उन्हें किस तरह की सुविधाएँ मिलती है। देश के सत्ता संचालन में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप सीधे तौर पर तो नहीं होता, लेकिन इसके पास कई अहम जिम्मेवारियाँ होती है। जब देश की राजनीतिक पार्टियां देश को चलाने में अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सामने आते हैं और उनके हाथ में शासन की बागडोर होती है। आपके मन में यह विचार आता होगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका वेतन कितना होता है, किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है। तो चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रपति के वेतन और उनकी सुविधाओं के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर वो कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देश का पहला नागरिक बनने के लिए भारत के संविधान में कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया है, जैसे कि उसकी उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो, साथ ही साथ उसे भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी संस्थानिक या फिर अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ के किसी पद पर आसीन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो चलिए ये तो बात हो गई कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब हम जानेंगे चुनाव लड़ने के बाद जो व्यक्ति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति भवन पहुंचता है उसे किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है, साथ ही साथ उसका वेतन कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति निवास के बारे में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद वे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। बता दें कि दुनिया में किसी भी सरकार के प्रमुख का सबसे बड़ा निवास स्थान जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। बता दें कि इस राष्ट्रपति भवन को आज़ादी से पहले वायसराय के रहने के लिए बनाया गया था, जो कि 320 एकड़ में फैला हुआ है। इस भवन का निर्माण 1919 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति भवन के मेन बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं। इसमें राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास, स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष और कार्यालय शामिल है। इसी राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति उद्यान है, अंगरक्षकों के लिए आवास, कार्यालय के लिए आवास, अस्तबल के लिए आवास स्थित है और इसके साथ साथ कई अन्य कार्यालय भी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्से जैसे कि म्यूजियम, मुगल गार्डन बनाया गया है जिसमें आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद खोला जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रपति को छुट्टियों में घूमने जाने के लिए दो वेकेशनल रिट्रीट मिलता है, एक उत्तर भारत में तो वहीं दूसरा दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में शिमला के मसोबरा में द रिट्रीट बिल्डिंग में ठहरने का मौका मिलता है, जो कि 10,628 वर्ग फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है हैदराबाद का बोलारम में स्थित राष्ट्रपति निलमय भवन में। राष्ट्रपति को रुकने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। बता दें कि इस इमारत को साल 1860 में बनाया गया था। यह कुल 90 एकड़ में फैला हुआ है। बता दें कि इस निलमय भवन में राष्ट्रपति साल भर में कम से कम एक बार जरूर आते हैं। राष्ट्रपति को मिलने वाली तमाम सुविधाओं में एक है उनका वाहन, वे मर्सिडीज मेबैक S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी से घूमते हैं। कहा जाता है कि इस गाड़ी पर बम बारूद का भी कोई असर नहीं होता, इसलिए यह राष्ट्रपति के काफिले में हम सभी को दिखाई देता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए PVG सुरक्षा मिलती है। बता दें कि PVG भारतीय सशस्त्र बलों की एक सबसे सीनियर बल्कि सबसे पुरानी इकाई है। बता दें कि यह घुड़सवारी की एकमात्र सैन्य इकाई है। कहा जाता है कि शांति के समय यह औपचारिक रूप से कार्य करता है, लेकिन जब बात जंग की होती है तो यह प्रशिक्षित पैराशूटर्स की तरह कार्य करते हैं। आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। साल 2017 से पहले राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपया मासिक हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रपति से ज़्यादा कितने ही ऐसे नौकरशाह हैं जिनका कि वेतन उस समय हो गया। ऐसे में साल 2017 में ही राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। राष्ट्रपति को वेतन के अलावा कई अन्य तरह के भत्ता भी मिलता है, जिसमें कि मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा शामिल है, जो कि उनके जीवन भर मिलता रहता है। साथ ही साथ भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों को भी उठाती है, जैसे कि उनके आवास, स्टाफ, खाने पीने के साथ साथ अतिथियों की मेजबानी पर करीब 2.25 करोड़ रुपये का खर्च किया जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में सुविधा मिलता है। जीवन साथी को सचिवालय कार्यों के रूप में 30,000 रुपए प्रति माह। एक सुसज्जित टाइप 8 टाइप का बंगला, जो कि 2 मुक्त
लैंडलाइन फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन, 5 निजी कर्मचारी, इसके साथ साथ 60,000 रुपये का वार्षिक स्टाफ खर्च और एक साथी के साथ मुफ्त ट्रेन या फिर हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं उन्हें बहाल की जाती है, यानी कि उन्हें मिलती है। एक तरह से कह लें कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की राजनीति में सीधे तौर पर हिस्सेदारी नहीं करता है, लेकिन जब देश में आपातकाल की स्थिति हो या फिर राजनीतिक पार्टियां जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में ना होती है, इन सब के बीच में अगर कोई राजनीतिक पार्टियां जो है वो सत्ता चलाने के काम नहीं आ रही है, तब जो है राष्ट्रपति देश की कमान संभालते हैं और देश को चलाते हैं। अभी हमने जाना राष्ट्रपति का क्या कार्य है, राष्ट्रपति जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है और किस किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।